आज इसे शेयर जरूर कर देना। क्या आपको मालूम है देश को आजाद कराने के लिए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की उसमें से सबसे ज्यादा 65% मुसलमान थे। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जंग करने वाले सिराजुद्दौला, जिसको मीर जाफर जैसे गद्दारों के वजह से हारना पड़ा। भारत को आजाद कराने के लिए सबसे पहले जंग करने वाले शहीद टीपू सुल्तान। 1857 की क्रांति को लीड करने वाला बहादुर शाह जफर। देश को आजाद कराने के लिए शहीद होने वाले सबसे पहले पत्रकार मौलवी मोहम्मद बाकिर। जय हिंद जैसा रेवोल्यूशनरी स्लोगन देने वाले आबिद हसन। तिरंगा को बनाने में अहम किरदार निभाने वाली सुरैया तैयब जी और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे हजारों मुसलमान जो गांधी जी के कंधों से कंधा मिलाकर देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया। और रेशमी रुमाल जैसी मूवमेंट जिसमें हजारों उलेमा ने अपनी जान दी। और बहुत अफसोस की बात है कि जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे उनको तो याद किया जाता है, मगर इन बहादुर लोगों को भुला दिया गया। और इसकी वजह है हम मुसलमान क्यों की? जब आप ही याद नहीं रखेंगे तो दुनिया क्यों याद रखेगी? आपसे गुजारिश है इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाएं ताकि ये भुला दिए गए फ्रीडम फाइटर्स को भी याद किया जाए। हर एक फील्ड में ही मुसलमानों ने बहुत अच्छा काम किया, पर कुछ अंधभक्तों को ये मुसलमान नाम से ही चिढ़ है, तो उन अंधभक्तों से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कल भी मुसलमानों से जलते थे और आज भी जलते हैं। अब समझ जाना देश का असल गद्दार कौन है।